नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। एक मैं आभारी हूँ प्रोग्राम का आज की तारीख में, और एक मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, एक नई कोशिश के वीडियो में बुक जो है, थोड़ी सी जो हमारी बुक है, ये एनए की बुक है, ये काम करता है कैसे और क्यों। ये बुक है हमारी एनए की, और इसमें हमारी परंपराएं, कदम और परंपराएं हैं। तो मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ कि जो कदम हैं मैं उनको पढ़ूँ, और जो लोग जो है पढ़ना नहीं जानते वो भी शायद इसको जो है अपने जीवन में अप्लाई कर सकें या समझ सकें कि हमारे कदम क्या हैं। उनके लिए एक प्रयास है, परमात्मा की आज्ञा है और मुझे करना पड़ेगा। मेरी मर्जी ना चले, परमात्मा की मर्जी चले। कदम एक, हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। एडिक्ट होने के नाते हम में से हर एक ने एडिक्शन के दर्द का, अकेलेपन का और निराशा का अनुभव किया। एनए में आने से पहले हम में से बहुत से लोगों ने नशे के सेवन को नियंत्रण में रखने के लिए वह सारी कोशिशें की जो हम सोचते थे। हमने यह सोचकर नशा बदला कि हमारी एक ही नशीले पदार्थ के साथ समस्या थी। हमने अपने नशे के सेवन को खास समय पर या स्थानों में सीमित रखने की कोशिश की। किसी एक मोड़ पर हमने शायद नशे को बिल्कुल बंद करने की कसम भी खाई होगी। हमने शायद अपने आप को कहा होगा कि हम वह हरकतें नहीं करेंगे जो हम दूसरे एडिक्ट को करते हुए देखते थे। फिर भी हमने अपने आप को वही हरकतें करते हुए पाया। जो भी हमने कोशिश की उसका असर कभी देर तक टिक नहीं पाया। हमारा सक्रिय एडिक्शन बढ़ता गया, यहाँ तक कि हमारे सबसे बेहतर उद्देश्यों को भी उसने हरा दिया। हम अकेले थे और भविष्य में हमारा क्या होगा इस बात से डरे हुए थे। तब हमें नारकोटिक्स अनानिमस की फेलोशिप मिली। नारकोटिक्स अनानिमस के सदस्य होने के नाते हमारा अनुभव यह है कि एडिक्शन एक बढ़ती हुई बीमारी है। इस बीमारी की बढ़त शीघ्रता से या धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन यह हमेशा पतन की तरफ ही जाती है। जब तक हम नशे का सेवन करते रहेंगे तब तक हमारा जीवन स्थिरता से बिगड़ता रहेगा। एडिक्शन की इस तरह स्पष्ट रूप से व्याख्या करना असंभव होगा। जिस व्याख्या से सब सहमत होंगे फिर भी यह बीमारी नीचे बताए गए आम तरीकों में हमें प्रभावित करती है। मानसिक तौर से हम नशे के सेवन के विचारों के जुनून में आ जाते हैं। शारीरिक तौर पर हमें नशा करते रहने की मजबूरी विकसित होती है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आध्यात्मिक तौर पर हमारे एडिक्शन के द्वारा दौरान हम बिल्कुल आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। एडिक्शन को एक बीमारी के रूप में देखने वाली बात बहुत से एडिक्टों को जचती है, क्योंकि हमारा अनुभव मैं एडिक्शन बढ़ता हुआ लाइलाज और जानलेवा हो सकता अगर उसका रोकथाम ना की जाए। आज के लिए इतना ही।